ओम शांति दोस्तों, तरंग इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। ये देखिए 14 इंच की क्राउन की टीवी है, जिसको चालू करने पे ये आपका देखिए दो कलर में पिक्चर बन रहा है, ग्रीन और ब्लू। और ये पिक्चर पे आपको देखिए ये स्पार्किंग दिख रहा है, इसको देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। ये देखिए दोस्तों, नेक्स्ट टीवी को खुला हुआ है, ये आपकी क्राउन की ओरिजिनल किट है। ये जो देखिए आपका पिक्चर बन रहा है, ये आपका ब्लू और ग्रीन में बन रहा है। इसमें आपका रेड कलर बैठा हुआ है जो कि नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम करते क्या है दोस्तों, रेड कलर की तीन, पहले हम कैथोड को चेक करेंगे सप्लाई को। इसमें तीन कैथोड होते हैं, एक ग्रीन, एक रेड, एक ब्लू। ये देखिए ये आपका है ऊपर वाला ग्रीन कैथोड, इस पर भी देखिए आपकी सप्लाई आ रही है करीब 125 वोल्ट। दूसरा देखिए ये आपका रेड कैथोड, जिस पर देखिए आपकी सप्लाई ज़्यादा आ रही है, जिस पर शो कर रहा है करीब 170 वोल्ट आपका। और तीसरा देखिए ये है आपका ब्लू, इस पर भी देखिए ये भी आपका 125 से 30 वोल्ट में करीब आ रही है। ये जो दो कैथोड है दोस्तों, ये जो है आपका कैथोड, ये है आप ब्लू, ये है आपका ग्रीन, और ये है आपका रेड। ये जो रेड कलर का कैथोड है, देखिए इसमें सप्लाई आपका ज़्यादा आ रहा है। दोस्तों इसमें होता क्या है, नीचे से जो RGB सिग्नल आपकी आती है वोल्टेज की, जो कि ट्रांजिस्टर पे जाती है, ट्रांजिस्टर के बेस और एमिटर पे करीब करीब सप्लाई 2 वोल्ट बराबर आती है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए आपको हम इस ट्रांजिस्टर की दिखाते हैं। देखिए ये है आपका मीटर पे, देखिए 2 वोल्ट शो कर रहा है। ये देखिए, देखिए ये आप एमीटर पे देखिए, देखिए इस पर भी आपका 2 वोल्ट शो कर रहा है। अभी देखिए दूसरे सप्लाई की, ये देखिए हमने दूसरे सप्लाई को चेक किया, देखिए इस पर आपका कुछ कम शो कर रहा है उस ट्रांजिस्टर के। अच्छा अभी ये देखिए नीचे इसके भी एमीटर की सप्लाई देखते हैं, इस पर देखिए एमीटर की सप्लाई आपकी ज़्यादा निकल रही है। अभी देखिए नीचे वाले ट्रांजिस्टर पर आइए, इस पर भी देखिए आपका 2 वोल्ट से ज़्यादा आ रही है। इसके मीटर की देखिए हम सप्लाई चेक करते हैं, ये भी आपका करीब करीब बराबर है। ये देखिए दोस्तों, तीनों कलर की जो ट्रांजिस्टर है, इसमें से एक कलर के ट्रांजिस्टर पे जो कि रेड कलर की है कैथोड, उस पर आपकी सप्लाई कम शो कर रही है। ये देखिए ये रेड कलर कैथोड है, ये आपकी सप्लाई कम शो कर रही है इस पिन पर। तो दोस्तों हम करते हैं क्या, देखिए ये आपका जो दो कलर में पिक्चर आ रहा है, इसमें हम करेंगे क्या, इस कलर को बनाने के लिए इसमें तीन ट्रांजिस्टर लगाए गए हैं। ये देखिए ये आपके तीन ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं, इसमें से आपका ये बीच बड़ा आपका है रेड, और जो ऊपर की ट्रांजिस्टर है ये आपका है, ये आपका कैथोड है ब्लू, ऊपर वाला ये ब्लू है, दूसरा आपका रेड है, तीसरा आपका ग्रीन है। ये रेड कलर का जो कैथोड का ट्रांजिस्टर है दोस्तों, इस पर आपका सप्लाई डिस्टर्ब बता रहा है। दोस्तों अक्सर करके टीवी में जब एक कलर डिस्टर्ब होता है तो इसमें तीन ट्रांजिस्टर लगे होते हैं दोस्तों, इसमें होता क्या है, तीनों ट्रांजिस्टर एक साथ बदल जाते हैं। अगर हम इसमें एक ट्रांजिस्टर बदलेंगे केवल रेड का, तो ये आपका कलर तो सही हो जाएगा, लेकिन कुछ समय चलने के बाद इसमें फिर से कंप्लेन आएगा और फिर से कोई ट्रांजिस्टर इसका बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले हम इस तीनों ट्रांजिस्टर को निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों, इस ट्रांजिस्टर को निकाल रहे हैं,
ये देखिए दोस्तों, ये हमने इस ट्रांजिस्टर को निकाल दिया। ये तीन ट्रांजिस्टर तीन कैथोड के लिए होते हैं, रेड कैथोड, ग्रीन कैथोड और ब्लू कैथोड। अगर इसमें से आपका कोई भी एक कलर का ट्रांजिस्टर बैठ गया तो इसमें आपका वो कलर पिक्चर से गायब हो जाएगा। रेड कलर, ग्रीन कलर और ब्लू कलर, तीन कलर का कैथोड ट्रांजिस्टर से ये आपका 12 कलर मिक्स होकर पिक्चर बनता है। ये देखिए दोस्तों, हमने ट्रांजिस्टर को निकाल लिया। ये देखिए, ये आपका नंबर है 2482 है। इसके जगह हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगा लेते हैं। अगर आपके पास ये ट्रांजिस्टर नहीं है तो इसके जगह दूसरा ट्रांजिस्टर भी आपका लग जाएगा। अनेक प्रकार का ट्रांजिस्टर आता है, जो कि ये ट्रांजिस्टर NPN होता है। इसके जगह देखिए हम दूसरा ट्रांजिस्टर लगाते हैं जिसका नंबर है 2229। इसको हम लगाते हैं। इन दोनों का बेस कलेक्टर एमिटर सेम है। ये देखिए, मैं दूसरा भी लगा दिया। कुल लगाने सब के बाद हम अच्छे से इसको चेक कर लेते हैं, इसकी इसका कोई पिन एक दूसरे से शॉर्ट ना हो। ये देखिए दोस्तों, इसमें ये देखिए आपका जो ये वायर आया है, ये आपका इसमें RGB सप्लाई नीचे से IC के थ्रू आती है। इस वायर के थ्रू तीन इसमें RGB होता है, एक रेड, एक ग्रीन, एक ब्लू। इसमें देखिए ये आपका आता है, देखिए आपका ये है इस पॉइंट पर, देखिए ये आया है बेस पॉइंट पर, ये आया है देखिए, ये और ये पिन से आपका ये RGB सप्लाई आती है। और ये 180 वोल्ट के सप्लाई के थ्रू, ये आपका देखिए रेजिस्टेंस के थ्रू इसके कलेक्टर पे सप्लाई जाती है तीनों ट्रांजिस्टर के।
देखिए तीन रेजिस्टेंस लगा है, 12-12 के का आपका ये गई है आपके, ये देखिए ये आपका आया 180 के सप्लाई, ये आ गया देखिए 20 ट्रांजिस्टर पे। इसी प्रकार से तीनों ट्रांजिस्टर की सप्लाई आगे बढ़ती है। अब इसको हम लगा कर चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने SBS को लगा दिया, अब हम इस TV को देखिए ऑन करते हैं। हमने TV को ऑन कर रहे हैं और ये देखिए आपका डिस्प्ले कलर ओके हो गया है। लेकिन दोस्तों इसमें एक चीज़ आप देखिए कि इसमें आपका होता क्या है, ये आपका कलर तो हो गया, हमने ये तीनों ट्रांजिस्टर बदल दिया। अब इस तीनों कलर की सप्लाई को देखिए चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमने 250 के रेंज में मीटर को रखा, ये देखिए आपका हो गया सप्लाई ग्रीन, ये देखिए आपका ग्रीन हो गया करीब 110 वोल्ट। ये देखिए दूसरा हमने रेड लगाया, देखिए रेड की लगाया और ये देखिए आपकी ये भी कैथोड आपकी सप्लाई ओके हो गई। और ये देखिए हमने ब्लू पे लगाया, ब्लू पे भी आपकी करीब करीब सप्लाई क्लियर हो गई। ये देखिए हमने ब्लू पे लगाया और ये देखिए दोस्तों आपकी एक सप्लाई क्लियर हो गई और पिक्चर। लेकिन दोस्तों इसमें देखिए इसमें आपका एक प्रॉब्लम इस TV में और दिखा है, ये आपका दाना दाना जो बन रहा है पिक्चर पे, वीडियो पे आपका ये दाना दाना बना। देखिए दूसरा अन्य चैनल पलटते हैं, देखिए ये आपके उस पर देखिए इस हिस्से पे देखिए आपके ये डिस्टर्बेंस आ रही है जो, इसमें होता क्या है ये दोस्तों, ये आपका जो AC ट्रांसफार्मर होता है ये देखिए इस सप्लाई में जो होती है फिल्टर कंडेंसर सप्लाई ट्रांसफार्मर जो AC है, ये देखिए इसका ये हिस्सा ये देखिए गल गया है। इस ट्रांसफार्मर को भी हम चेंज करेंगे तो ये आपका जो ऊपर दाना दाना पिक्चर में बन रहा है वो भी आपका क्लियर हो जाए। इस ट्रांसफार्मर को भी हम निकालते हैं। ये देखिए दोस्तों हमने ट्रांसफार्मर को निकाल दिया, ये देखिए ये आपका ट्रांसफार्मर देखिए ये आपका ये गल गया है जिसकी वजह से पिक्चर पे आपकी स्पार्किंग दिख रही है। इसके जगह देखिए हम आपको दिखाते हैं दूसरा ट्रांसफार्मर हम लगाते हैं इसमें, ये देखिए दूसरा ट्रांसफार्मर हम इसमें लगाएंगे दोस्तों। ये देखिए आपको इसको हम लगाते हैं नया ट्रांसफार्मर को इसमें, ये आपका AC सप्लाई को फिल्टर करके डायोड के ब्रिज पे देता है जिसके थ्रू ये आपका फिल्टर पे से होकर ये आपके मार्बल सप्लाई लगा है उस पर जाता है। अगर ये आपका ट्रांसफार्मर दोस्तों लोड पड़ने से इसकी एम्पियर डाउन हो जाएगी या गल जाएगी आपकी लोड की वजह से तो ये आपका वीडियो में आपका स्पार्किंग दिखेगा, आपका वीडियो पिक्चर आप जब TV आप ऑन करेंगे तो आपका ब्लू स्क्रीन तो दोस्तों सही दिखेगा लेकिन जब आप वीडियो लगाएंगे तो ये आपका डिस्टर्ब दिखेगा। तो इस ट्रांसफार्मर को हमने बदल दिया, देखिए हम इस TV को फिर से ऑन करते हैं। इस TV को देखिए मान करते हैं, ये देखिए आपकी ब्लू स्क्रीन आ गई। देखिए इसमें हम वीडियो को जोड़ते हैं और ये देखिए हमने वीडियो को जोड़ दिया और ये देखिए आपका जो इस हिस्से में आपके जो दाने दाने थे वो आपके क्लियर हो गए दोस्तों। और ये आपकी TV फाइनल।
दोस्तों सीआरटी टीवी या एलईडी टीवी संबंधित अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमको कमेंट करके कमेंट बॉक्स द्वारा पूछ सकते हैं। कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन बटन दबाना दोस्तों न भूलें। अच्छा, ओम शांति। और ये आपकी टीवी दोस्तों कंप्लीट हो गई। और ये देखिए आपका ये टीवी कंप्लीट।